हम अक्सर ऐसे मिथ्स यानी झूठे विश्वासों पर यकीन करते हैं जिनका सच्चाई से कोई रिलेशन नहीं होता। यारो इस दुनिया में आम मिथ्स तो है ही, बट टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ आज भी कुछ ऐसे टेक्निकल मिथ्स हैं जिन पर हम आंख मूंद कर यकीन करते हैं। तो यारो चलो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे टेक्निकल मिथ्स के बारे में जानते हैं जिन पर अधिकतर लोग विश्वास करते हैं। अच्छा, आप गूगल ड्राइव और टॉरेंट को तो जानते ही होंगे। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन लीगल है और कौन इलीगल। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग पहले ही गूगल ड्राइव को लीगल और टॉरेंट को इलीगल घोषित कर चुके होंगे, बट क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सीन पूरा उल्टा है, गूगल ड्राइव इलीगल है और टॉरेंट लीगल, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? वेल, अगर मैं आपको रियल ट्रूथ बताऊं तो ये दोनों ही एप्स लीगल हैं। यारो पहले मुझे भी लगता था कि टॉरेंट इलीगल है, लेकिन टॉरेंट इलीगल नहीं है। बट अगर आप कोई कॉपीराइटेड मटेरियल टॉरेंट से डाउनलोड करते हो तो वो इलीगल है, और सिर्फ टॉरेंट ही से क्यों भाई, अगर आप गूगल ड्राइव से भी कॉपीराइटेड मटेरियल को डाउनलोड करते हो इवन वो भी इलीगल है। यार हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, और इसलिए हम अपने सारे कामों को इतने हड़बड़ से करते हैं मानो कल ही हमें पनवेल निकलना हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यार हम हड़बड़ के चक्कर में हर काम गलत कर देते हैं, चाहे वो जल्दी तैयार होना हो या फिर अपने फोन को जल्दी चार्ज करना। यार फोन चार्जिंग से रिलेटेड ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि अगर हम अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके चार्ज करें तो हमारा फोन जल्दी चार्ज होगा। लेकिन यार क्या आपको पता है कि हमारे लेटेस्ट स्मार्टफोन में ऐसे बहुत से इनबिल्ट एप्स आते हैं जो चार्जिंग के समय हमारे फोन को और ज्यादा चार्ज करने में हेल्प करते हैं। अब जब आप अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर देते हो तो इन एप्स का भी राम बोलो भाई राम वाला हाल हो जाता है। इसलिए आप बहुत से लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन्स एंड आईफोन्स में ये ऑब्जर्व करोगे कि अब आप उनको स्विच ऑफ करके चार्ज नहीं कर सकते हो, जैसे ही चार्जर लगाओगे वो अपने आप स्विच ऑन हो जाएंगे। यार अब हम जिस मिथ की बात करने वाले हैं ना, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट के रिलेटेड। अब देखो बहुत से लोग ये मानते हैं कि स्मार्टफोन को अपडेट करने से हमारा स्मार्टफोन और भी फास्ट हो जाता है, और वही मेरे जैसे कुछ ये भी मानते हैं कि इसको अपडेट करने से हमारा फोन और भी स्लो हो जाता है। और भाई मैं स्लो वाली बात को इसलिए मानता हूं क्योंकि बीते हुए कुछ सालों में एप्पल और सैमसंग पर इसलिए फाइन लगाया गया था क्योंकि वो अपने अपडेट में अपने स्मार्टफोन को और भी स्लो कर देते थे ताकि उनका नया स्मार्टफोन ज्यादा बिक सके। अब इन्हीं न्यूज एंड मिथ में उलझकर हम फोन को अपडेट करें या ना करें हमें पता ही नहीं चलता। तो देखो इसका मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले आपको जब भी अपडेट की नोटिफिकेशन मिले तो उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़कर ये पता लगाने की कोशिश करना कि ये कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है या फिर छोटे मोटे बग्स का। अगर इंपॉर्टेंट है तो अपडेट कर दो, और अगर नहीं तो जस्ट इग्नोर इट। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रस्क के बारे में, जो बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप है और जिसे इंडिया में हाइक जैसे ट्रस्टवर्दी ऐप ने बनाया है। रस्क में आपको बाकी ऐप्स के मुकाबले अमेजिंग गेम क्वालिटी, ग्राफिक्स और एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ बहुत से गेम्स अवेलेबल हैं, लाइक स्पीड लूडो, कैरम, कॉल ब्रेक, ब्रिक स्मिथ एंड मेनी मोर। और गाइस अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ, और हर रेफर्ड फ्रेंड पर आप 1000 कमा सकते हो और हर महीने 50,000 तक अर्न भी कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर है रस वीआईपी मेंबरशिप जो कि सुपर सेवर मेंबरशिप है, और जो अभी इंडिया में इकलौता ऑफर है। इसको लेने से आपको एंट्री फी कम और विनिंग ज्यादा मिलेगी क्योंकि वीआईपी प्लेटफॉर्म कमीशन पर वर्क नहीं करता। और हाँ, इसके साथ आपको एक्सक्लूसिव कैशबैक ऑफर भी मिलेगा। विनिंग अमाउंट आप आसानी से यूपीआई के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हो। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको 50 रुपए साइन अप कैश भी मिलेगा। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो और साइन अप करो। अच्छा, सबसे पहले आप इन दो नेटवर्क बार्स को देखो, आपको क्या लगता है किसमें स्पीड ज्यादा होगी इस ज्यादा वाले बार में? राइट रॉन्ग गाइस, क्योंकि जरूरी नहीं कि ज्यादा डंडी मतलब ज्यादा स्पीड। ये नेटवर्क की डंडियां मोबाइल टावर से आप तक नेटवर्क के स्ट्रेंथ को बताती है, ना कि नेटवर्क क्वालिटी को, जिस पर स्पीड डिपेंड करता है। इसलिए आप बहुत बार ऑब्जर्व करोगे ये नेटवर्क डंडियां फुल होने के बावजूद भी कभी कभी हमारा इंटरनेट एकदम कछुए की स्पीड से चलता है। अभी यार वैसे हम लोग किसी काम को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से करने के लिए तो नहीं जाने जाते हैं, मगर जब बात हमारे पीसी एंड स्मार्टफोन्स की हो तो पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। और यार जब हम पेन ड्राइव यूज करते हैं तो डेटा ट्रांसफर होने के बाद हमें से बहुत से लोग इजेक्ट बटन को ढूंढते रहते हैं ताकि पेन ड्राइव को हम प्रॉपर ढंग से पीसी से निकाल सके। लेकिन यार ये इजेक्ट बटन बस एक छलावा है, इसको यूज किए बिना भी आप पेन ड्राइव को आराम से बाहर निकाल सकते हो और आपका कोई भी फाइल करप्ट नहीं होगा। हाँ, बस तब मत निकालना जब आपके कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर हो रहा हो, क्योंकि सिर्फ उसी समय निकालने पर आपकी फाइल करप्ट हो सकती है। अब देखो हम रिसाइकल बिन को तो सभी यूज करते हैं, पहले ये सिर्फ कंप्यूटर में हुआ करता था, बट अब स्मार्टफोन में भी ये फीचर आने लगा है। बट क्या आपको लगता है कि किसी फाइल को सिर्फ डिलीट करके रिसाइकल बिन में डाल देने से हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफोन के स्टोरेज खाली हो जाती है? वेली हमारे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि जब फाइल्स रिसाइकल बिन में डिलीट हो जाता है तब हमारी स्टोरेज खाली हो जाती है। एक्चुअल में वो फाइल पूरी तरह से डिलीट नहीं होती है, बल्कि वो आपके स्टोरेज में ही प्रेजेंट होती है, बट हिडन फॉर्म में। इसलिए आप अपने मम्मी या पापा के फोन में बहुत बार ये ऑब्जर्व करोगे कि ज्यादा फाइल्स न होने के बावजूद भी उनमें कुछ ऐसा स्टोरेज का अलर्ट रहता है। और भाई एक और जरूरी बात, हो सके तो टाइम टू टाइम अपने रिसाइकल बिन से अपने पर्सनल डाटा को भी डिलीट किया करो, क्योंकि फोन हैक होने के केस में हैकर्स इस डिलीटेड डाटा को भी हैक कर सकते हैं।
अब देखो ये बहुत ही फनी मिथ है और इंडिया में काफी पॉपुलर भी। अक्सर आपने इस मिथ को आशीष चंद चलानी के वीडियो में भी देखा होगा। मिथ ये है कि अगर आपको आईफोन लेनी है तो आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। वेल, एक आईफोन 30 प्रो मैक्स का प्राइस इंडिया में अप्रोक्स 140,000 है, बट एक किडनी का प्राइस आप रियल में जानते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किडनी व्हाइट में खरीदते हो या फिर ब्लैक में। किडनी की प्राइस इंडिया में 5 to 10 lakh से 10 to 20 lakh की जा सकती है। अब यार अगर हम टेक्निकल मिथ की बात करें और इसमें वायरसेस की बात न करें, ये कैसे हो सकता है? तो यार वायरसेस के ही रिलेटेड ऐसे बहुत से मिथ हमारे दिमाग में बैठे पड़े हैं जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब देखो वायरस के बारे में सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि वायरस कंप्यूटर या स्मार्टफोन में अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं, बट यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप किसी ऐसे प्रोग्राम या ऐप को इंस्टॉल नहीं करते हो जिसमें वायरस हो, तब तक आपका स्मार्टफोन एंड पीसी बिल्कुल हेल्दी है। इसलिए आप जब भी किसी प्रोग्राम या ऐप को इंस्टॉल करो तो मेक श्योर कि वो ट्रस्टेड हो। और वायरस के बारे में दूसरी मिथ ये होती है, जैसे ही वायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ मतलब आपका पूरा कंप्यूटर हैक, बट ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत से ऐसे भी वायरसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक बार रन करते हैं और आपके सारे ऐप्स को इन्फेक्टेड करके उनके अकाउंट्स एंड पासवर्ड को हैक कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि आपने छोटा मोटा वायरस इंस्टॉल कर लिया है तो सबसे पहले उन ऐप्स को डिलीट मारना जिसमें आपका अकाउंट हो, लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एटसेट्रा। तो यार वो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। रस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में मजा आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आप स्मार्टफोन ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो है, और अगर ये नहीं तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को यहां तक एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।